फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द आरके फार्मा रॉक स्टार यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू द क्लासेस। दिस इज द मॉक टेस्ट डे वन। ये सीरीज चल रही है हमारी फॉर रेलवे फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन, DSSSB एग्जामिनेशन, MPSC फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन एज वेल एज फार्मासिस्ट सॉरी प्रिजन डिपार्टमेंट फार्मासिस्ट दैट मीन्स कारागृह मिश्रक मिश्रक पोस्ट के लिए ये सीरीज चल रही है। ठीक है, सो वेलकम टू द डे वन मॉक टेस्ट। जो लोग चैनल पे नए हैं क्लास को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी आपको प्रेस करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, सो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि कारागृह का एग्जामिनेशन कब होगा टेक्निकल का। तो कारागृह का एग्जामिनेशन आपका तब होगा जब आपका नॉन टेक्निकल का रिजल्ट रिलीज होगा। नॉन टेक्निकल का रिजल्ट अभी होल्ड पे है, बहुत ज़्यादा क्यूरी नहीं गई है तो हो सकता है आपका रिजल्ट इस मंथ के एंड में या फिर जून के स्टार्टिंग में आ जाएगा। उसके बाद आपका जो ड्यूरेशन रहेगा टेक्निकल एग्जामिनेशन के लिए शायद उसके लिए आपको टाइम कम मिले, इसलिए आपको अभी से पढ़ना है। डेट आएगी तब पढ़ेंगे, इस बेस पे मत रहिएगा। ठीक है, पढ़ना है आपको। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज द मॉक टेस्ट डे वन फॉर रेलवे फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन। रेलवे फार्मासिस्ट की नोटिफिकेशन जून के बीच में या फिर जून जुलाई के बीच में आएगी। ठीक है, नोटिफिकेशन आने के बाद सारा का सारा जो कुछ होगा, एग्ज़ाम कब होगी, किस तारीख को होगी, कौन कौन एलिजिबल रहेगा, सारी इंफॉर्मेशन अपडेट की जाएगी। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। लास्ट टेस्ट पेपर में देखा था क्वेश्चन नंबर 73 हमारा लास्ट रहा है। सो इन दिस लेक्चर कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम 74 से। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस क्लास इज दैट व्हाट इज़ द लैटिन एब्रीविएशन फॉर आफ्टर मील। व्हाट इज़ द लैटिन एब्रीविएशन फॉर आफ्टर अ मील। क्या यूज़ होता है एब्रीविएशन आफ्टर मील के लिए? PC, QD, AC, HS क्या होता है आफ्टर मील के लिए? क्या यूज़ होता है? तो आफ्टर मील के लिए यूज़ होता है दैट इज़ PC। क्या यूज़ होता है? PC। ओके, और दो HS क्या होता है? व्हाट इज़ HS? PC होता है आफ्टर मील, HS क्या होता है? HS होता है दैट इज़ होरा सोमनी। क्या होता है HS? होरा सोमनी। ये सारी टर्म्स आपको एग्जामिनेशन में आती है, जितने भी लैटिन टर्म्स है एब्रीविएशन है आपको पूछते हैं। HS होता है दैट इज़ होरा सोमनी, H होता है दैट इज़ होरा, H क्या होता है? होरा। होरा मीन्स होता है एन आवर। क्या होता है? एन आवर। ठीक है, होरा क्या होता है? एन आवर, H फॉर होरा, एंड होरा मीन्स क्या होता है? एन आवर। ओके, उसके बाद HS क्या होता है? HS होता है दैट इज होरा सोमनी। क्या होता है? होरा सोमनी। किस तरह लिखा जाता है? HS लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? H.S। क्या होता है होरा सोमनी का मीनिंग? होरा सोमनी का मीनिंग होता है एट अ बेड टाइम। क्या होता है? एट अ बेड टाइम, एट बेड टाइम। क्या होता है? एट बेड टाइम। क्या होता है? एट बेड टाइम, याद रहेगा HS क्या होता है? एट बेड टाइम। ठीक है, इंडाइस क्या होता है? व्हाट इज इंडाइस? इन डाइस क्या होता है? लिया है ये क्वेश्चंस ऑलरेडी इन द प्रीवियस क्लास। इंडाइस क्या होता है? तो इंडाइस होता है दैट इज डेली। इंडाइस क्या होता है? डेली, गॉट इट। इंटरसिबोस क्या होता है? इंटरसिबोस होता है दैट इज ड्यूरिंग द मील। इंटरसिबोस क्या होता है? ड्यूरिंग मील। इंटरसिबोस होता है ड्यूरिंग मील। PC क्या होता है? PC होता है आफ्टर मील। क्या होता है? आफ्टर मील। ओके, देन नेब्यूला क्या होता है?
व्हाट इज नेब्यूला, व्हाट इज नेब्यूला, नेब्यूला होता है दैट इज अ स्प्रे, क्या होता है अ स्प्रे, नेब्यूला क्या होता है अ स्प्रे होता है, गॉट इट। ओमनी क्या होता है, व्हाट इज ओमनी, ओमनी क्या होता है, ओमनी मीन्स होता है दैट इज एवरी, ओमनी क्या होता है एवरी, गॉट इट। ओमनी कॉर्टा होरा क्या होता है, व्हाट इज ओमनी क्वार्टा होरा, क्या होता है ओमनी क्वार्टा होरा, ओमनी क्वार्टा होरा दैट मीन्स इसका एब्रीवेशन क्या यूज होता है, एब्रीवेशन होता है दैट इज ओ एम एन फोर आर्स, क्या होता है ओ एम एन फोर आर्स, ये एब्रीवेशन आता है आपको और इसका मीनिंग क्या होता है, ये होता है दैट इज एवरी क्या फोर आर, एवरी फोर आर क्या होता है, एक मिनट, ओमनी क्वार्टा होरा, होरा मीन्स क्या होता है आवर, ओमनी क्या होता है एवरी एंड क्वार्टा मीन्स क्या होता है फोर, तो क्या होगा इसका मीनिंग एवरी फोर आर, क्या होता है एवरी फोर आर, ओके। नेक्स्ट एवरी आर, एवरी आर के लिए क्या यूज होगा, एवरी आर के लिए क्या यूज होगा आपको बताना है, ठीक है। और आपको एक बताना है और सेंट के लिए क्या यूज करेंगे, सेंट के लिए लैटिन टर्म्स क्या यूज करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, द रीपैकिंग ड्रग ऑपरेशन मस्ट बी, द रीपैकिंग ड्रग, सॉरी फ्रेंड्स मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, मुझे नहीं पता कैसे तो भी स्टॉप हुआ है, तो स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 75 से। द क्वेश्चन नंबर 75 इज दैट रीपैकिंग ड्रग ऑपरेशन मस्ट बी कैरिड आउट अंडर द सुपरविजन ऑफ व्हाट, द रीपैकिंग ड्रग ऑपरेशन मस्ट बी कैरिड आउट अंडर द सुपरविजन ऑफ अ, दीज आर द ऑप्शन, कॉम्पिटेंट पर्सन, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट। द रीपैकिंग ड्रग ऑपरेशन मस्ट बी कैरिड आउट अंडर द सुपरविजन ऑफ व्हाट, तो ये कैरिड आउट होता है अंडर द सुपरविजन ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन, ऑप्शन ए इज करेक्ट वन, विच वन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, सल्फा ब्रोमोथैलिन सोडियम इज मेनली यूज टू टेस्ट द फंक्शन, टेस्ट फिल इन द ब्लैंक फंक्शन, क्या क्वेश्चन रहा है हमारा, सल्फो ब्रोमोथैलिन सोडियम इज मेनली यूज टू टेस्ट फिल इन द ब्लैंक फंक्शन, हार्ट किडनी लीवर ब्रेन, विच इज द करेक्ट वन, सल्फो ब्रोमोथैलिन सोडियम इज मेनली यूज टू टेस्ट द फंक्शन, विच फंक्शन, तो ये यूज होता है फॉर किडनी, मेनली यूज टू टेस्ट द किडनी फंक्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन, विच वन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हाइड्रोफिलिक कोलॉइड, क्या पूछा है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हाइड्रोफिलिक पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इज नॉट हाइड्रोफिलिक कोलॉइड, दीज आर द ऑप्शन, द फर्स्ट इज दैट अकाशिया, सेकेंड वन अगार, देन मिथिल सेलुलोज एंड द लास्ट वन बेंटोनॉइड, विच इज द करेक्ट वन, विच इज नॉट हाइड्रोफिलिक कोलॉइड, तो इसमें आता है दैट इज बेंटोनाइट, कौन आता है बेंटोनाइट, ऑप्शन डी इज करेक्ट वन, विच वन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हैज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 102, व्हाट इज इट इक्विवेलेंट वेट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड has molecular weight of 102, that is 102, what is its equivalent weight,
दीज आर द ऑप्शन 17, 34, 51, 102। तो कितना आएगा, ये आएगा दैट इज 17। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। विच वन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, विच ड्रग इज मोस्ट लाइकली टू कॉज फोटोसेंसिटिविटी रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच कॉज फोटोसेंसिटिविटी रिएक्शन, विच ड्रग कॉज फोटोसेंसिटिविटी रिएक्शन। दीज आर द ऑप्शन क्लोक्सासिलिन, देन सिप्रो, देन पेनिसिलिन वी एंड द लास्ट वन टेट्रा साइक्लिन। विच ड्रग कॉज फोटोसेंसिटिविटी रिएक्शन, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन, दैट इज टेट्रा साइक्लिन। कौन कॉज कराता है, टेट्रा साइक्लिन कॉज कराता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। विच वन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, अ फाइटोकेमिकल ऑब्टेन फ्रॉम कोल्चिकम यूज फॉर ब्रिंगिंग द पॉलीप्लॉइड इज। पॉलीप्लॉइडी इज, दीज आर द ऑप्शन कोल्चिसिन, कोलिन, कैप्सिन एंड कैफिन। विच इज द करेक्ट वन, तो ये होता है दैट इज कोल्चिसिन। विच वन, कोल्चिसिन। ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। विच वन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, इन्वेंट्री इज, क्या होता है इन्वेंट्री, निग्लिजिबल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, सिग्निफिकेंट पार्ट कॉस्ट। विच इज द करेक्ट वन, इन्वेंट्री इज, क्या होता है इन्वेंट्री, तो ये होता है दैट इज सिग्निफिकेंट पार्ट कॉस्ट। क्या होता है, सिग्निफिकेंट पार्ट कॉस्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। विच वन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, द न्यूट्रल फैट्स आर द ईस्टर ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड एंड, द न्यूट्रल फैट्स आर ईस्टर ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड एंड, अल्कोहल, सॉर्बिटॉल, वैक्स एंड ग्लिसरॉल। विच इज द करेक्ट वन, द न्यूट्रल फैट्स आर ईस्टर ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स एंड, तो ये होता है दैट इज ग्लिसरॉल। क्या होता है, ग्लिसरॉल। ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। विच वन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, ग्वार गम इज क्या होता है, व्हाट इज ग्वार गम। द फर्स्ट ऑप्शन इज दैट प्लांट एक्सुडेट, सेकेंड वन सीड गम, देन प्लांट एक्सट्रैक्ट एंड द लास्ट वन सीवीड गम। विच इज द करेक्ट वन, ग्वार गम इज अ, क्या होता है ग्वार गम, तो ये होता है दैट इज सीड गम। क्या होता है, सीड गम। ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। विच वन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स। दीज आर द ऑप्शन, द फर्स्ट इज द सेल टैक्स, सेकेंड वन स्टेट टैक्स, थर्ड वन कॉर्पोरेशन टैक्स एंड द लास्ट वन वेल्थ टैक्स। विच वन इज करेक्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्ट टैक्स। सो कौन सा होता है नॉट अ डायरेक्ट टैक्स, तो इसमें आता है दैट इज सेल टैक्स। कौन आता है, सेल टैक्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। विच वन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, व्हाट प्रोटेक्टिव अपैरल मस्ट बी वॉर्न व्हेन रिकॉन्स्टिट्यूटिंग अ केमिकल थेरापेटिक एजेंट, व्हाट प्रोटेक्टिव अपैरल मस्ट बी वॉर्न व्हेन रिकॉन्स्टिट्यूटिंग अ केमिकल थेरापेटिक एजेंट। हियर आर ऑप्शन, द फर्स्ट वन इज दैट टू पेयर ऑफ ग्लोव्स, सेकेंड वन अ हेयर कवरिंग, थर्ड वन अ मास्क एंड द लास्ट वन ऑल ऑफ द अबव। विच इज द करेक्ट वन, तो इसमें आता है टू पेयर ऑफ ग्लोव्स, अ हेयर कवरिंग एंड अ मास्क। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। गॉट इट, सो स्टॉप करेंगे 85 तक। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जो भी लोग चैनल पे नए हैं, क्लास को सब्सक्राइब करके जाना है। इफ़ यू लाइक द क्लास देन आपको लाइक बटन को प्रेस करना है एंड शेयर भी करना है। सो ठीक है फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।